अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? और ओके, दोबारा कर लेते हैं। अस्सलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आ गए मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो गए, मज़े में हो गए अनॉनिमस की पब्लिक। तो आज हम आपको ना नए सीज़न पर सस्ती शायरी सुनाने वाले हैं। तो अर्ज़ किया है कि जो खिलाता है अपनी टीम को चिकन डिनर, वो कहलाता है टीम का हीरो। वाह 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 वाह। जो खिलाता है अपनी टीम को चिकन, वो कहलाता है टीम का हीरो। कल आ रहा है नया सीज़न, लेकिन हमारे पास है UC 0। सस्ती शायरी, ख़राब शायरी, उल्टी सीधी शायरी, बकवास शायरी विद अनॉनिमस बाबा जी। वाह भाई वाह। मतलब जो सस्ती शायरी सुनाते हुए गाइस एनर्जी आती है ना, और मुझे सुनाने में मज़ा आता है और आपको सुनने में मज़ा आता है। मतलब क्या नहीं, मैं शायरी ऐसे सुना रहा था जैसे वो टीचर लेक्चर नहीं देते, जैसे वो मोटिवेट करते ना आपको कि तुमको लड़ना होगा, अपने बीवी बच्चों के लिए लड़ना होगा। वो जिस तरह ऐसे मोटिवेट करते ना कोई ना कोई किसी को कि तुम्हें उस जंग में जाके बस जीतना है, तुम जीत सकते हो। मैं कुछ ऐसे इस तरीके से सस्ती शायरी सुना रहा था उन्हें। मतलब क्या। तो अनॉनिमस की पब्लिक, हम आए थे कराची, मतलब नोवो, और हम खेले थे डुओ वर्सेस स्क्वाड। और मज़े की बात कि हमें नोवो में गन ही नहीं मिलेगी, धुंध धुंध के थक गए। पता नहीं मैं पिस्टल नहीं उठाता, मुझे लगता है पिस्टल ना बैग के ऊपर बोझ होता है। और फिर मैं, आपने देखा ही होगा, मैं कभी पिक ही नहीं करता। मैं यहाँ मज़े से घूम रहा था और हमारे नंबर वन पे बंदे भी आना शुरू हो गए थे, और जो उसकी ज़िंदगी खतरे में भी आ चुकी थी। लेकिन हमारे पास गन ही नहीं है भाई, हम क्या कर सकते हैं फिलहाल। मतलब हम खुद ऊपर वाले के रहमो करम पे हैं फिलहाल। ओके, यहाँ पे हमें गन मिली, हमेशा ही वैसे होते हैं ऊपर वाले के रहमो करम पे भाई। सॉरी, ये नहीं बोलना चाहिए था। तो गए उसके बाद हमने यहाँ पे फर्स्ट एड लगाया और मैं फ़ौरन से नीचे जंप कर गया, क्योंकि हमारे पिछवाड़े में पड़ चुकी हैं गोलियाँ, डैमेज हो चुका है, और हमारे टीममेट की बच चुकी है बैंड। स्टिल हमारे पास नहीं है M4 वगैरह। वो M4 से ज़्यादा है गाइस, आप इतना बोल रहे थे कि अपग्रेड करो। और पता नहीं किसी अल्लाह के बंदे ने, भाई आप खुश रहो, आपकी बहुत ज़्यादा शादियाँ हों, आप बस बहुत ज़्यादा कामयाब हो, किसी ने ना मेरी करेक्टर आईडी नोट करके ना वेबसाइट से मुझे UC गिफ्ट कर दिए थे 4000। और मैं इतना खुश हुआ मैं कि भाई मैं बंदे को दुआएं दूंगा। मैं उस बंदे को बहुत दुआएं दी फिर, और उस बंदी की वजह से मैं ऐसी बस M4 ओपन की और मेरी ना फुल M4 निकल आई। और मैं पहले से मतलब जमा कर करके UC ओपन करता था क्रेट, सो मेरे पास कुछ वो पड़े हुए थे मटेरियल्स, तो मेरी M4 level 3 हो गई और ये बैग भी निकल आया। तो भाई मेरे तो मज़े हो गए, मैं बैग लॉबी में भी लगा के खड़ा हुआ, बार बार M4 देख रहा अपनी। मतलब नहीं क्या, इतनी खुशी गैस, वाकई में बड़ी खुशी होती है। मेरी पहली चीज़ है कोई ऐसी जो निकली है, वरना मैं भी ना आप लोगों की तरह क्या करता हूँ, कोपन जमा करेंगे, वो 10 करके क्रेट खोलते हैं, फिर उनमें से क्या घंटा बावली का ठुल्लू निकलता है सिल्वर फ्रेगमेंट। तो अब मुझे M4 मिल गई और मैं इंशाल्लाह इसको अपग्रेड करूँगा, ये भी आप लोगों के कहने पे। वरना गाइस लाइक खुद की कमाई ना ऐसे वेस्ट करने का दिल नहीं करता किसी का। अम्मी अब्बू की तो बंदा करता भी है, औलाद जो होती है ना वो माँ बाप की कमाई पे ऐश करती है। तो फिर गाइस एक को नॉक किया, दूसरा नीचे जंप कर चुका है बाबा जी। तो हमने यहाँ पे नेट निकालने का फैसला किया, नेट फेंकेंगे, लेकिन हमारा नेट इतना बकवास जितनी हमारी शायरी, इतना बकवास नेट होगा। ये 1 सेकंड में फेंका और ये रास्ते में फट गया, इतना बकवास जितनी हमारी शायरी। फिर हमने कर दिया रखा और सारे पैसे इसके हैं गाइस, देखो माशाल्लाह। अब आपको ये देखने को मिलता रहा करेगा, मतलब ये आप लोग के कहने पे मैंने किया, वरना भाई मैं कभी ना लगाऊं ऐसे अपग्रेड करने में पैसे। मतलब नहीं, मैं आपको बोला ना कि औलाद जो होती है ना माँ बाप के पैसे भी ऐश करती है अपनी। जब इंसान खुद कमाने लगता है ना तो फिर उसको कदर आ जाती है। तो मुझे है कदर अल्हम्दुलिल्लाह, ज़्यादा तो नहीं है बट हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कदर है अपनी कमाई की। तो गाइस उसके बाद हमने यहाँ पे लूट वगैरह की और नोवो हो चुका है क्लियर। फिर हम आएंगे अपनी मेहरान गड्डी में, मेहरान गड्डी उठाएंगे और निकलेंगे यहाँ से मिलिट्री बेस की तरफ, क्योंकि जोन अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जोन जो है ना वो ब्रिज वाला बना हुआ है। और गाइस दूसरी बात क्या, आजकल मैं नोट कर रहा हूँ व्यूज़ भी हमारे डाउन हो चुके हैं और अनॉनिमस की पब्लिक ना लाइक भी कम कर रहे हैं। जो लाइक लव करते हैं वो तो करते ही हैं, लेकिन जो मेरे भाई लोग कभी कभार लाइक्स कर देते थे बोलने पे, अब आजकल वो भी नहीं कर रहे। तो हमारे लाइक्स काफ़ी डाउन जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं काफ़ी थोड़ा बहुत डीमोटिवेट हुआ हूँ। इसलिए लास्ट लाइक 1-2 दिन पहले वीडियो भी नहीं आई थी। तो प्लीज़ लाइक्स मत रोका करो, दबा के लाइक्स करते रहा करो पब्लिक को। यहाँ हमने FPP भी किया थोड़ा सा, फिर वापस से TP भी कर लिया और फिर हम आ गए थे मिलिट्री बेस। और गाइस यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छा मज़े की बात, ये एस की यूरोप की 3-स्टार लॉबी है। चलो मान लिया कि मिडल ईस्ट थोड़ा सा हल्का होता है, होता नहीं है वैसे, लेकिन ये लोग जो है ना वो मानते नहीं हैं। मिडल ईस्ट भी बहुत अच्छी लॉबी आती है, पाकिस्तानी उसी में खेलते हैं ज़्यादा, अरबी उसी में खेलते हैं ज़्यादा,
लेकिन लोग बोलते हैं यूरोप हार्ड होता है, तो यूरोप की भी गाइज ये 3 स्टार की लॉबी है, एंड मैं आप लोग को दिखाऊंगा, आपका नॉन मैं आपसे झूठ नहीं बोलता। और तो मैं इस आपको दिखाऊंगा जब आप अकेले हो ना तो आप कैसे सुकून से खेलो और कैसे आप आराम से ठंडे दिमाग से, बेशक पूरा स्क्वाड है सामने, बेशक एक बंदा है, बेशक दो बंदे हैं, आप अपने दिमाग से गाइज उनको डाउन कर सकते हो। तो मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ, देखो बूस्ट कर लो। और हमारे पास जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमारे पास लेवल 2 है, हेलमेट भी वेस्ट भी 3 होते हैं, तो काफ़ी बेटर हो जाता, बट जो भी है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पहले मैंने फैसला किया गाड़ी लेके ना सामने वाली बिल्डिंग में जाता हूँ, बट गाड़ी ले जाने के लिए जगह नहीं थी, बस फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया और धुड़की लगा दी भाई ऊपर एम करके, और फिर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। यहाँ पे बंदे ऊपर थे गाइस जिन्होंने शॉट्स भी दिए थे, और फिर बंदा किसी और से फाइट ले रहा था, ये 2 स्क्वाड है गाइस। अब वो बंदा लेट चुका है एम हमारे ऊपर, बाबा जी ऐसे कैसे बाबा जी, तो फिर भाई को करेंगे फिनिश। गाइस इनका टीममेट आ रहा है, मैं आपको मजे की बात दिखाऊंगा, क्योंकि मैं कभी भी यहाँ पे ना रश ब्लॉक नहीं किया ऊपर, मुझे लोग घुस के मार देते हैं छत पे, बट यहाँ मैं थोड़ा सा ना आईक्यू यूज़ किया कि जब वो ऊपर आने वाला होगा ना मैं नीचे जंप करके हवा में मारने की कोशिश करूंगा, ये मैंने प्लान किया था। साउंड लिया जैसे वो ऊपर आने वाला था, जंप किया और हवा में मारते मारते मैंने उसको मार दिया। गाइस इतनी खुशी हुई ना, मतलब इतनी खुशी मीम है ना वो वाली मीम, समझ लो बहुत खुशी हुई थी। और फिर अभी दूसरी बात कि ये 2 बंदे थे और 3 बंदे और थे, मतलब 5 के 5 जो मिलिट्री बेस में थे उन्होंने हमसे फाइट ली। और लाइक साउंड आ रहा था कि वो लोग रश कर रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे पहले हील किया, साउंड जैसे जैसे तेज़ होता क्या मेरी दिल की धड़कनें बढ़ती गई। अब मुझे था कि वो सामने वाली सीढ़ी से आएंगे, तो मैंने ना ऐसे सोचा मेरे पास दोनों नेड़ हैं, दोनों फेंक देता हूँ, वहाँ आएंगे ना तो फट जाएंगे। आइडिया कुछ नहीं था गाइज, लाइक कोई मतलब 0.01% चांस थे। जब स्मोक हुआ ना मुझे लगा हाँ शायद फट गया, लेकिन फट गया गाइस। इतनी खुशी हुई ना, मैंने दूसरा भी फेंक दिया कि शायद से कंफर्म हो जाए या उसका टीममेट वैप करने आया तो वो फट जाए, कंफर्म हो गया। और फिर मैं एक मॉली भी फेंक दी, उसका टीममेट आया तो वो डाउन हो जाए। तो ऐसे जो आपके पास है उसको यूज़ करो। अगर स्मोक है ना तो आप ये सोचो कि स्मोक यहाँ पे इस सिचुएशन में मेरी कैसे हेल्प कर सकता है, तो उस जगह स्मोक कर दो। मतलब जो भी है आपके पास उसको यूज़ करो अपने अपने लिए, अपने बचाव के लिए, तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। काफ़ी बोल रहा था मैं, काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो उसके बाद गाइस मैंने यहाँ से बिल्डिंग चेंज कर दी, क्योंकि जब वो पूरा स्क्वाड था आई गेस 3 बंदे थे वो, तो एक को हमने मार दिया, 2 बंदे उनके बचे हैं। और ये अरबी हैं ऊपर से, एस की लॉबी अरबी, आप लोग खुद खेलते हो आप लोग को आइडिया होगा कैसे खतरनाक बंदे होते हैं। तो सामने वाली बिल्डिंग से साउंड आ रहा था, और मुझे ज़रा लोकेशन वगैरह पता नहीं है कि हैं कहाँ पे, तो मैं ऐसे क्राउच करके ना पीक लेके देखने की कोशिश कर रहा था। फिर मैं थोड़ा सा क्लोज आ गया कि पता चल जाए कौन सी विंडो में है, तो मैं स्प्रे करके एक को डाउन किया, तो मैं रश कर सकता हूँ, वरना दोनों के मुंह के आगे जाना मतलब मौत के मुंह में चले जाना बाबा जी। और सम टाइम हम मौत के मुंह में जाते हैं तो टक से वापस नहीं आ पाते, तो हम आराम से कर रहे थे वेट इनका। और गैस फिर लाइक ये जो राइट में विंडो ना, यहाँ पे मेरे भाई आते हुए नज़र आएंगे हमें, और वो उनको शायद मेरी पोजीशन भी पता थी, क्योंकि वो ऐसी पीक ले रहे थे, अभी देखना आएगा वो आया देखो। और लाइक मुझे लगा कि उसको पता चल गया मैं यहाँ पे हूँ, और फिर उसने पीक ही नहीं ली, और फिर मैंने भी अपनी पोजीशन अब रिवील हो गई थी, तो मैंने सोचा मैं चेंज ही कर देता हूँ, बेटर है, थोड़ा सुकून से मारूंगा। और अलाइव कम इसलिए गाइस क्योंकि सीज़न एंड हो रहा है, कल नया सीज़न आ जाएगा, और जब तक ये आप वीडियो देख रहे होगे सीज़न आ भी चुका होगा, तो इसलिए ना सब रश वगैरह कर रहे हैं, तो काफ़ी कम अलाइव रह गए थे। लेकिन यूरोप की लॉबी है, मेरा 9 स्टार है, शायद 8 स्टार है मिडल ईस्ट में। एशिया में मेरा रैंक कम है, डायमंड या गोल्ड, वो होगा गोल्ड तो नहीं, डायमंड या क्राउन होगा। और यूरोप में मेरा 3 स्टार 4 स्टार होने वाला है इस गेम प्ले के बाद, तो वो आप देख लेना। अब ये दोनों बंदे छत पे आ जाते हैं, और मैं यहाँ ट्राई करता हूँ पीक लेके गाइस, एक को डाउन करूँ उसके बाद करूँ बाबा जी रश। अब ये बंदा तो जाके प्रोन हो जाता है, दूसरा बंदा लुटेरा लूट कर रहा है, ये पक्का आपका टीममेट है, लूटा भुक्का आपका टीममेट भी ऐसे ही है ना, मुझे पता, देख लो चाइनीज था भाई, चाइनीज को नॉक किया गाइस। उसके बाद हम करेंगे इन पे रश, और फिर मैं बस धुड़की लगा दी, और मेरा था कि एक नॉक है, अब कैसे भी करके ना इनके ऊपर रश कर देता हूँ, इसके बाद मुझे मौका नहीं मिलेगा। तो मैं इस वाली बिल्डिंग में आया ताकि मुझे थोड़ा सा एंगल मिले, और शायद मैं यहाँ से दूसरा नॉक कर सकूँ। तो एकदम से मैं आगे नहीं चला गया, मैं दोबारा एम देखो गाइस, छत पर ही मेरा जहाँ जहाँ वो हो सकते नज़र आया भाई, और दोबारा से वही बंदा आएगा स्नॉक हुआ जो पहले हुआ था, इनके नाम भी जैसे होते हैं। और फिर मैं दोबारा आगे रश करने का फैसला किया कि बस अब नॉक है तो मुझे रश करना चाहिए, क्योंकि अगर दोबारा से रिवाइव हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब अभी एक ही बंदा जिंदा खड़ा होगा, वो पता नहीं वो रिवाइव दे भी रहा है नहीं, तो बस भागो। बैरल निकाल ली क्लोज रेंज में, 7 KMO अच्छी रहती है गाइस, 7 KMO वाली गन, मैंने बैरल निकाल लिया हमको जगह। गाइस सच में मुझे इस बंदे की पोजीशन नहीं पता थी, पता है मुझे लगा वो नीचे ना सीढ़ियों पर रैप दे रहा, तो मैं यहाँ के लेट गया, और ये भाई साहब खुद ही खड़े होकर सामने आ गए। तो शुक्र है मेरे हाथ में गन थी, और मतलब मैं थोड़ा सा चौकस था, लाइक माइंड में मैं आगे, मेरा माइंड कहीं और नहीं था, इसी साइड पे था कि बंदे सामने, तो अचानक से आना तो मैंने मार दिया, वरना जिंदगी खतरे में आ गई थी गाइस। मुझे लगा यहाँ पे जहाँ मैं बैठा हूँ ना यहाँ पे रिवाइव दे रहा है,
और वो वहीं पे सामने लेटा हुआ था, रिवाइव दे नहीं रहा था टीममेट को, भाई जिंदगी खतरे में आ गई। तो उसके बाद गैस मैं अपनी मेहरान गड्डी उठा के यहाँ से निकलने लगा, तो साइड से मुझे इतना गंदा स्प्रे पड़ा जो कि पहले भी पड़ चुका था, और आप मेरी गाड़ी की हालत देख सकते हो। तो उसके बाद मैं जा रहा था गैस ब्रिज की साइड पे मिडिल में, मैं नहीं चाहता था, वो M4 ग्लेशियर वाले लॉन्डे बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स आए हुए थे लॉबी में, तो मैं नहीं चाहता था मेरा गेम प्ले ख़राब हो जाए। और कल पता क्या गैस क्या हुआ, इतना अच्छा गेम प्ले, 16-17 किल मैंने किया एनोनिमस के पब्लिक, और क्या हुआ जब मैं फालतू रिकॉर्डिंग्स डिलीट कर रहा था मुझे बोला गेम प्ले डिलीट हो गया, इतना दुख हुआ ना। बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दोबारा गेम प्ले बन गया। तो यहाँ पे गैस हमने गाड़ी की चेंज और हम फौरन से जाएंगे आगे की तरफ, और यहाँ पे पूरा का पूरा स्क्वाड गैस वो देखो बंदे नजर आए आप लोगों को, बस यहाँ पे हमारी ज़िंदगी खतरे में आने वाली है। पूरे स्क्वाड ने स्प्रे दिया गैस, और मैं आगे इस बिल्डिंग में, और फाइट तो लेनी थी क्योंकि मेरे 7 किल थे और 7 किल वीडियो के हिसाब से थोड़े से कम है। तो वैसे तो मैं आप लोग बोलते हो भाई अच्छा गेम प्ले हो, 5 किल भी हों चलेगा, किल ना भी हों चलेगा, लेकिन ये आप लोगों का प्यार है गाइज कि आप मेरा कुछ भी कंटेंट देख लेते हो, लेकिन मेरा भी बनता है ना आपको अच्छा कंटेंट दिखाऊं। लोगों की तरह अगर धोखा देंगे तो फिर ना इज्जत मिलेगी ना लोगों के दिल में प्यार होगा आप लोग के लिए, आपके लिए, और फिर अल्लाह ताला भी ऐसे लोगों को थोड़ी पसंद करते हैं धोखेबाज लोगों को, तो फिर हम ऐसी लॉबी नहीं खेलते। जब कम होती है तो मैं आपको खुद बताता हूँ कि एनोनिमस की पब्लिक आज लो लॉबी है। तो ये काफ़ी अच्छी लॉबी थी गाइज, और ये देखो रश कर रहे हैं कैसे, एक बगी में आ रहा है, एक साइड से आ रहा है, और दूसरी इसने गलती कर दी। आखिर अकेला बंदा देख के गाइज, इसको मैंने डाउन किया। गाइज अगर आपको एक भी बंदा लगे ना कि लो था, मतलब अच्छा नहीं था प्लेयर, तो यार आप डिसलाइक कर देना बेशक वीडियो को, लेकिन अगर आपको लगे कि हाँ एनोनिमस भैया सही कह रहे हैं लॉबी अच्छी थी, तो प्लीज़ लाइक बटन दबा देना, ठोक देना लाइक बटन गाइज। अब इस वाले ने तो मुझे ऑलमोस्ट खा लिया था M249 से, लेकिन बाबा जी अगर आपके पास M249 है तो हमारे पास भी M249 है। एक स्मोक के नीचे आखिरी बंदा गाइज इनका बचा है, और मैं ऊपर था तो मुझे इससे थोड़ा सा एंगल मिला, मैंने उसको डाउन किया, यहाँ पे थोड़ा सा लो किया, और फिर ये नीचे जाके हील करेगा, ये तो पक्का था क्योंकि इसकी हेल्थ 30% तो लो हुई होगी, और फिर यहाँ पे हील कर रहा था बेचारा, और यहाँ पे आ गया गाइज, मैंने इसको मौत के मुँह में वापस लॉबी भेज दिया, और फिर मैं मज़े से कर रहा हूँ लूट। लेकिन यहाँ पर भी हमारी जो है ना हमारे इम्तिहान ख़त्म नहीं हुए, अकेले सर्वाइव कर रहा है आपका एनोनिमस इतनी अच्छी लॉबी में, और स्टिल बंदे पे बंदा आता जा रहा है। अब गाइस मुझे क्या था कि मेरे पास 6x है, तो मैं या M249 रख लूँ या M4 रख लूँ, साथ में उठा लूँ स्नाइपर, क्योंकि स्नाइपर ना वो दूर से मेरी हेल्प कर देगी। तो यहाँ पे मुझे 6x मिलता है, मिल गया था सॉरी, वो पहले मैंने शायद उठा लिया, तो मुझे था जो नीचे बंदा है ना ये जो गिली वाला है उसके पास ऑम होगी, क्योंकि उन्होंने ड्रॉप लूट रखा था, ठीक है, M249 भी है उसके पास, गिली सूट भी है, तो मुझे था ऑम हो सकती है। तो मैं लाइक चाहता था कि मैं उस ब्रिज पे एक बार बंदे देख लिया कि सामने वाले जो मैंने गिली सूट में नॉक किया था ना उसकी जाके क्रेट लूटूं, तो शायद से मुझे ऑम मिल जाए, हमारी पहली मोहब्बत। लेकिन जैसे मैं जाने लगा, और यहाँ पे जो है ना एक अलग, ओके 6x यहाँ में हमें मिला था सॉरी, जैसे मैं जाने लगा ऊपर से गाड़ी का वो आ जाएगा, और ये फायर हुआ और गाड़ी ऊपर से आती नज़र आ जाएगी। अब गाइस यहाँ हमें बड़ी गलत फीलिंग आ गई थी, क्योंकि मैं ग्लिच पे नहीं हो रहा था बाहर, और ये बंदे को मेरी पोजीशन पता थी, तो लाइक ये यहाँ पे ना फायर वगैरह दे रहे थे बार बार, हालांकि मैं पीक भी नहीं ले रहा था, तो मुझे लगा भाई नहीं यहाँ से जाना ही बेहतर है, गड़बड़ है कुछ। तो जब इन्होंने ये काम किया ना, मैंने फैसला किया मैं गाड़ी उठा के यहाँ से चला जाऊँगा, भाई बाद में देख लेंगे, फिलहाल मुझे ना अपना गेम प्ले ख़राब नहीं करना, और मैं ऐसे प्लेयर से फाइट लेना लाइक मेरा दिल नहीं मानता भाई, कि वो बिना पीक दिए आपको ऐसी दीवार पर गोलियां मारते जा रहे हैं, भाई इससे बेहतर है कि निकल लो। हमने अपनी मेहरान गड्डी उठाई गाइज, और हम यहाँ से मूव कर जाएंगे, लेकिन शायद इनसे लास्ट में हमारी फाइट होने वाली है, तो देखते रहना। वो कहते हैं ना सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए, हमने गाइज वही किया एनोनिमस की पब्लिक, और अपनी मेहरान गड्डी उठा के हम चले जाएंगे ब्रिज पे, और ब्रिज उस टाइम पे गाइज एकदम जोन के मिडल में होता है, तो मुझे था कि जोन मुझे बनता जाएगा तो काफ़ी आसान हो जाएगा। देखो जोन इधर भी आ सकता था, उधर भी जा सकता, सॉरी फिर से मेरी रिकॉर्डिंग जो क्रैश हो गई थी वॉइस रिकॉर्डिंग। तो उसके बाद गाइज मैंने यहाँ पे ब्रिज पे आने का फैसला किया, क्योंकि जोन ना दोनों साइड जा सकता था, और पास में ड्रॉप भी था, तो मुझे था गाइज अगर आपके पास ड्रॉप है आपको नहीं पता बंदे दूर से मारेंगे नहीं मारेंगे तो होल्ड कर लो, स्मोक ख़त्म हो जाएगा, उनका ध्यान भी ऑलमोस्ट हट जाएगा ड्रॉप से, तो उसके बाद उठाना बेहतर होता है, ज़रूरी नहीं है। हम लोग क्या कहते हैं कि स्मोक है तो उठा लो, स्मोक नहीं है तो ड्रॉप बहुत सी बार चेक भी नहीं करते, तो ये बहुत गलत बात है, तो थोड़ा सा वेट कर लिया करो। अब जब जोन मेरे पास से निकला तो मैं गाड़ी छोड़ के निकल आया, क्योंकि गाड़ी काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, ड्रॉप चेक किया। वैसे ये बात है गाइस कि हम लोग को ऐसा लगता है कि ड्रॉप में स्मोक खत्म हो गया तो लूट भी नहीं होगी, लेकिन आप ना बेशक एनिमी की क्रेट्स हैं, बेशक ड्रॉप है उसको दोबारा चेक किया करो, बेशक आप लेट आए हो, समटाइम मिल जाता है उसमें Level 3। तो गाइस यहाँ पे गाड़ी खड़ी थी, मैं बंदे स्पॉट कर रहा था, और उसका टायर जो है वो डैमेज था, और फिर मैं गाड़ी में बैठ के बंदे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, भाई ये तो चली नहीं रही थी, लेकिन था आइडिया कि चल जाएगी, ऐसी जगह खड़ी थी ना कि टायर भी टूटा हुआ था, जोर लगा रही थी गाड़ी काफ़ी। मैंने यहाँ पे जब ऊपर जाने की कोशिश की गाइस 1v2 है ये फाइट, और ये बंदे जो ना मेरी बैंड बजाने वाले हैं, मेरी हेल्थ भी जाएगी, मेरी गाड़ी की भी हेल्थ जाने वाली है, ज़िंदगी खतरे में आने वाली है।
गाइस मैं फौरन से पीछे मुड़ गया, गाड़ी रोकी, पीछे जाके गाड़ी को करेंगे ब्लास्ट और अब जाके करेंगे हम लोग हील, क्योंकि अपनी ज़िंदगी फ़िलहाल आ चुकी है गाइस बहुत ज़्यादा ख़तरे में। शॉर्ट्स पड़ रहे थे काफ़ी गंदे वाले, क्योंकि आपने देखा जैसे उन्होंने स्प्रे दिया ना, हेल्थ गई, गाड़ी गई, तो मतलब अच्छे प्लेयर हैं तो हम उनको इजी नहीं ले सकते। अब नेड करूँगा गाइस इससे रैंडम ऊपर की तरफ। यहाँ पे भाई मुझे नज़र आए, ये थोड़ा इजी ले रहे थे हमें, इन्होंने पूरा स्क्वाड वाइप किया था इससे पहले, पाकिस्तानी स्क्वाड मारा था तो मैंने इनको नॉक किया। और अब इनके टीममेट जो हैं वो पीछे की साइड हैं, दो नेट मेरे पास और हैं, मैं दोनों के दोनों यूज़ कर दूंगा यहाँ पे, क्योंकि जहाँ वो थे मैंने वहाँ पे दो नेट फेंके, बट शायद से उनको डैमेज हुआ हो बट वो नॉक नहीं होंगे, ये काफ़ी ख़राब बात थी हमारे लिए बाबा जी। और उसके बाद बस ये पोजीशन बता रहा था कि कहाँ है, और मैं खुद चाहता था कि भाई तू मेरी पोजीशन बता ताकि तू आए तो सही, वरना सांप को मारना मुश्किल हो जाएगा और मैं जोन के बिल्कुल एच पर हूँ। तो गाइस आ जाता, और मैंने अभी M4 निकाली क्योंकि मैं वो स्मोक देखना चाहता था M4 का, वो थोड़ा सा निकला। चलो खुशी होती है गाइस, आस्ते आस्ते आदत हो जाएगी मुझे, बट अभी ना अच्छा लगता है काफ़ी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें मिला चिकन चिकन विनर डिनर, और फिर हमने थोड़ा सा डांस किया। ये वाला गाइस मेरा इमोट फेवरेट है, आपका कौन सा है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी जाना मत क्योंकि हम आपके लिए TDMB लेके आए हैं, और अभी आप मेरा रैंक भी देख सकते हो। ये रहा गाइस, देखो 4 स्टार होने वाला है, 38+ हुए थे मेरे यूरोप में, और उसके बाद अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह निकाली थी। तो शुरू में हम लोग बहुत बिटते हैं इस स्टेडियम मैच में, अपने किल भी देख सकते हो, मेरा KD भी मतलब एक का ही है, लाइक मैं 2 बंदे मारे बट 2 बार मैं भी मरा। तो उसके बाद यहाँ पे देखो, आए हाय क्या कैंपिंग कर रहे थे गाइस, ये एकदम ख़तरनाक वाला खेल रहे थे ये। तो उसके बाद बस आपके अनोनिमस को थोड़ा सा लाइक बुरा लगता है, और फिर अनोनिमस भैया आपके कोशिश करते हैं कि अपनी टीम को जितवाने की कोशिश करते हैं। 2-3 की स्ट्रीक जा रही थी, हमारी नेट निकाला बट नेट जाएगा लेकिन हमारी बेइज्जती हो जाएगी, और ये बेइज्जती हो गई हमारी क्योंकि नेट से कोई फटा नहीं। और फिर हम इस साइड आते हैं, हमारे टीममेट को डाउन किया सामने से, और फिर हम लेंगे अपने टीममेट का बदला, और फिर उनको डाउन किया। ओहो यहाँ पे मेरा एम अटक गया था, फिर मैंने यहाँ पे इस भैया को डाउन किया। गाइस आपका अटकता है ऐसे एम, और पता है मेरे साथ क्या इशू आता है कि मेरी स्क्रीन भी काम करना छोड़ देती है अक्सर, अजीब हो जाता है। ये देखो यहाँ भी एक थोड़ा सा ज़रा सा अटका था, अगर आपने नोट किया हो। आपके साथ पबजी में क्या क्या ग्लिचेज हो रहे हैं अपना ग्लिच ज़रूर कमेंट करना, क्या पता बाकी लोगों को उसका सोल्यूशन पता और वो आपकी हेल्प करते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने लीड ले ली थी उन लोगों से, 11 किल उनके थे, 13 किल हमारे थे, 8 मेरे हो चुके थे। यहाँ पे दूसरा डाउन किया, और हमारी 8 की स्ट्रीक हो चुकी है गाइस अल्हम्दुलिल्लाह, और ये हमारी 9 की स्ट्रीक हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। पीछे भागा मैं फौरन से, मेरा हेलमेट भी डैमेज है गाइस, वेस्ट भी हमारी हो चुकी है बाबा जी डैमेज। फिर से उजी निकाल ली हमने, और ये एंगल मिला और ये हमने किया डाउन। 10 की स्ट्रीक हो चुकी है बाबा जी हमारी, और ये बंदे जो शुरू में हमारी बैंड बजा रहे थे, हमें गंदी तरह मार रहे थे, ये लीव करके भागने लगेंगे। लेकिन इनमें एक बंदा था जो था मतलब अजीम शान शहनशाह, हाँ वो था, और वो कौन था, वो यही बंदा था जिसने भी हमारा हेलमेट उड़ा दिया, और हमारी हेल्थ एकदम जा चुकी है। ये एंड तक नहीं जाएगा, मतलब नहीं, ये कहेगा हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। ये बेचारा इतनी बार मरा बट भागा नहीं, तो मैं मतलब दिल से इसका फैन हो गया कि यार लीव नहीं करना चाहिए। बेशक समटाइम गाइस क्या होता है कि अच्छी लॉबी आती है ना, मैं मरने वाला होता हूँ, लाइक हमारी टीम मरी होती है ना, मेरी सारी टीम भाग जाती है रैंडम, अकेला 1v4, पता होता है हारूंगा बट मैं जाता नहीं हूँ क्योंकि कुछ सीखने को मिलेगा। और ये उसी भाई ने हमारी बैंड बजा दी जो एंड तक लड़ने वाले हैं, तो लीव मत किया करो, ट्राई किया करो गाइस। और फिर यहाँ पे हमारी एमो जो है वो ख़त्म हुई, तो हमने फौरन से प्रोन होकर गन स्विच करके भाई को किया डाउन। 15 किल हमारे हो चुके हैं गाइस, 30 किल टीम के हैं, 17 किल्स एनिमीज के हैं, और उसके बाद ये भाई दोबारा आए हमारे, तो फिर हमने भाई को किया डाउन। अब ये शायद से अकेला रह गया गाइस, और इतनी देर तक बेचारा अकेला आता रहेगा ना, अकेला आता रहेगा। फिर से हमने इन भाई को किया डाउन, लेकिन अच्छी बात है गाइस, मेरी बात याद रखना, कभी भी लीव मत करो, हिम्मत मत हारो। समटाइम अब ऐसा कुछ कर दोगे ना कि सामने वाले को यकीन नहीं आएगा कि आपने ऐसा कुछ कर दिया, ओके नेड़ हमारे हाथ से छूट गया। लाइक अगर उनके 20 किल हैं, आपके 5 हैं, आप अकेले रह गए, शायद आप जीत जाओ। लक का कुछ पता नहीं होता, आपके स्किल्स का कुछ पता नहीं होता, कब साथ दे जाएँ। तो यहाँ पे फिर हमने डाउन किया गाइस इनको, और ये बंदा बोल रहा था कि भाई हमने बदला लेना है, एक बार तो मारूंगा। 4 बार मैं बैक टू बैक इसको मार चुका था, 5वीं बार भी मारा, और ये बंदा अभी भी गुस्से में था कि नहीं नीले कपड़े वाले, तेरे को तो मैं मारूंगा, तेरे को मैं नहीं छोड़ूंगा, कालिया तुम इसे बच के नहीं जाएगा। और फिर आखिरी किल बचा, क्या ये हमसे बदला ले पाएगा, क्या ये हमारी बैंड बजा पाएगा, और यस इसने हमारी बैंड बजा दी, लेकिन हमें मिली विक्टोरी पब्लिक। तो गाइस वीडियो कैसी लगी, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना, सपोर्ट करते रहना,
अनॉनिमस की पब्लिक, और रमज़ान में दुआ में याद रखना, आजकल आपके भाई की सेहत काफ़ी ख़राब रहती है क्योंकि कोई टाइमिंग नहीं है सेहत का ख्याल रखने, खाने पीने को नहीं दिखता और सोने जागने की कोई टाइमिंग नहीं है, बस काम 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 काम, एडिटिंग अपलोडिंग रिकॉर्डिंग, बस इसी में फंसा रहता हूँ। तो प्लीज़ दुआ करना मेरे लिए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कल। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना गाइज, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, लव यू अनॉनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।